हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज है मकर संक्रांति, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। और यहाँ पे सुबह का वेदर देखिए, बहुत ही ठंड है। आज पूरा धुंध लगा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शायद सन भी विजिबल नहीं है, दिख रहा होगा, वैसे मुझे दिख रहा है। हाँ, हो रहा है, आपको दिख रहा है ना अभी? तो इतना सारा फॉग है, अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा फॉग है। तो अभी क्या हो गया है मुझे, अभी मैं सोच रही हूँ आज मैं शाम को पानी नहीं दे पाऊँगी, तो अभी दे देती हूँ। और मेरे पास ये एक ये मैंने मंगाया था, ये प्लांट फूड है, तो मैं सोच रही हूँ आज ही मैं दे दूँ, क्योंकि वेदर भी बहुत ठंड हो गया है ना, तो शायद उनको ज़रूरत है। तो मैं अभी एक बकेट पानी मैंने रेडी कर दिया है, इसमें मैं ये डालूँगी और जितना हो सके उतने प्लांट को दूँगी। अगर ख़त्म हो गया तो फिर और है मेरे पास, तो फिर मैं वो डालूँगी। तो ये है वो अपना कोको फ्रूट जो है, ये है वो प्लांट फूड जिसको 6 लीटर पानी में डालना है। तो मेरे ख्याल से ये 6 लीटर है, छोटा बकेट है, इसमें ही इसको मैं डाल के फिर प्लांट सब को दूँगी। और ये बहुत मतलब क्यूरियस हो रहा है कि इसके अंदर क्या है, कुछ खाने का है, कुछ खाने का है तो मैं खा लूँ ना। अच्छा देखिए कैसे होता है अंदर, ऐसे ग्रीन कलर का है। ये कुत्ते का खाने का नहीं है, ये तुम्हारा खाना नहीं है, ग्रीन कलर का है। तो मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। देखिए मैं सोच रही हूँ मग में रुको ना खाओ ना, मगर मग में इसको घोल लेती हूँ ना, ये अच्छे से पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। वैसे ये मेरा इंडोर प्लांट है, लेकिन कल मैं धूप नहीं निकल रहा है ना बहुत दिन से, तो कल मैंने ये निकाल दिया था। और देखिए तो चिड़िया ने शायद इसका लीव्स को खा लिया, चिड़िया या तो कोको का काम है ये। मैंने इस वाले फ्लोर में ज़्यादा प्लांट नहीं रखा है, क्योंकि कोको है यहाँ पे सबसे डेंजरस, तो इसीलिए जो भी है वो नीचे वाले रूम में है। अभी मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ पे प्लांट को पानी डालूँगी। जो भी फूल है मैंने यहाँ पे ही लगाया है, यहाँ नीचे भी है ऊपर भी है, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में कोको खा देता है सारा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया है। और ये वाला तो सब सूख गया, लेकिन इसमें नया आ रहा है। ये रहा प्लांट, वैसे अच्छा ही है, जो फूल फूला था ना, मतलब खिला था, वो ख़त्म हो गया, अभी इसका नया आ रहा है। वैसे ये देखिए कोको का काम शुरू। तो मैं पी रही हूँ अपना कॉफ़ी, और मेरा कॉफ़ी भी ख़त्म हो गया, ये रहा पूरा ख़त्म। तो आज है मकर संक्रांति, हम नेपालियों में मकर संक्रांति के दिन हम लोगों को मायके में खाने के लिए इन्वाइट होता है। तो आज हम लोग पूरा फैमिली मम्मी के घर पर फिर से गैदर हो रहे हैं। तो हम लोग जितनी भी मतलब हम लोग में चेली बेटियाँ बोलते हैं, मतलब जितनी भी बेटी लोग हैं जो शादी करके चली गई है या नहीं भी गई है, तो उनको आज खाने के लिए बुलाया जाता है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में निकलेंगे मम्मी के घर में। आज मैं कोई ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सब कुछ मम्मी के घर पर ही है। कल शाम को मैं गई थी थोड़ा हेल्प करने के लिए, थोड़ा बस हेल्प किया, ज़्यादा हेल्प नहीं किया, क्योंकि मेरा तबीयत कल ख़राब हो गया। उसके बाद मैं घर आ गई शाम को जल्दी से। तो आज हम लोग सुबह सुबह फटाफट निकलेंगे, मैं कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी, मैं ये बस कॉफ़ी लूंगी और चेरी को थोड़ा सा दूध बिस्किट दूंगी, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट से ही स्टार्ट है खाने का। तो आज हम लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या करते हैं, वह सब दिखाऊंगी मैं। अभी ये चाय पी के थोड़ा घर साफ करके मैं फटाफट से नहा धो लेती हूँ, क्योंकि नहाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के दिन, वो भी ठंडे पानी से, लेकिन मैं ठंडे पानी से नहीं नहाऊँगी। हाँ तो ये सब करके हम लोग फटाफट निकलते हैं। मेरा प्लान है 10 बजे तक मम्मी के घर पहुंचने का, देखते हैं कितना जल्दी हो पाता है। वैसे मम्मी कॉल कर रही है, मैं फटाफट कॉल बैक कर लेती हूँ। तो कल है संक्रांति और अभी मैं मम्मी के घर पे आई हूँ, क्योंकि हम लोग एक दिन पहले ही सब कुछ बना के रेडी कर लेते हैं। जो ये है मालपुआ, बट यहाँ पे देखिए मालपुआ में क्या है, रैप और बहुत सारा डिज़ाइन है जो मम्मी ने इस बार नया बनाया।
ये मालपुआ बनाने के बाद शायद शुगर सिरप में डिप किया हुआ है क्योंकि इसमें ग्लेज आ रहा है। ये तो अब कल ही पता चलेगा खाने में कैसा है। पिठाना स्टार्ट और हम लोग खाना भी स्टार्ट कर दिए। ये पार्सल आंटी ने भेजा हम लोग तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। आज दिन थोड़ा ठंड है दिन में तो इसलिए मैंने मोटा जैकेट पहना है और चेरी ने पहना है एक छिंदे। ये उसको सताक्षी दीदी ने बर्थडे में गिफ्ट दिया था तो ये सताक्षी दीदी ने दिया हुआ ड्रेस। ये तारा ना अगड़ी बड़ा हेरती हूँ ना अपन 1 2 3। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, घर पहुँच के दिखाते कौन कौन आए। तो अभी हम लोग मम्मी के घर पहुँच गए हैं। हम लोग फर्स्ट हैं क्योंकि हम लोग को ब्रेकफास्ट भी करना है इसलिए थोड़ा जल्दी है और चेरी का ड्राइंग क्लास भी है जो छत पे हो रहा है। हैप्पी संक्रांति इसलिए यहाँ पे कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। नींबू को लाए नींबू में यहाँ चिकन बन रहा है। अंकिता और बखर निकली अरे फेरी देख ड्रइंग कर नुआ ये है कच्चा तरुल और ये कच्चा तिल जो हम लोग खाते हैं आज के दिन पहले। और ये जो सर पे लगाया है ये क्यों आना कोयला होने की बन सा। और ये है कोयला कोयला ही तो अंगार लगा टाइम मर राम अंगार लगा टाउ को। और ये सब बनाया है ये और ये वैरायटी ऑफ तरुल्स। अंकिता और भर्खर निस् अरे भर्खर भाई ने फोन करे थे थाल में क्या देखो अर्क थाल में दिन मैं बिर्से एकदम बिर्से के बिर्से यही बिर्से तभी हम लोग खा रहे हैं। ये क्यों ये क्रिसमस ट्री जस्तो चप्पल हेर्नु नि खानासँगै फेरि अच्छा कुनै के हो यो यसलाई के पो भन्छौ होइन हौ अब के पो भन्छ मालपुवा ल बुझ्नु भयो यो ट्री सेपका मालपुवा है ये है तिलका लड्डु ये पिठा ये तीन तरीके का तरुल ये जो हम लोग कल बना रहे थे ये वो है। ये रहा हमारा सेल रोटी जो हमेशा कुछ ना कुछ होता है तो ये पर जरूर बनता है। ट्रेन जा रहा है मेरा खाना तो स्टार्ट हो गया तो ये रोटी बहुत टेस्टी बने तो फटाफट मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है। तो अभी मैं मैजिक दिखाती हूँ खा के ये देखिए जादू सारा खत्म। ये लड्डू मैं अभी आराम से खाऊंगी और ये हो गया मुझे पेट भर गया पूरा पूरा पेट भर गया। और हमारी काकी भी आ गई है आयुष और काकी और काकी ने भी रोटी बनाया है वो दिखा रही है कैसा बनाया है। ठीक पर हिजो पालिको एक्जाममा चाहिँ कति नम्बर ल्याउनु पर्ने छ कलेज पो जान्छ त्यो हमारी काकी आ गई है और रोटी बनाने का जिम्मा ले लिया है। और ये पापा की है बहन और अंकल हनर की बात तो नहीं है वो ट्रेनिंग के लिए चली गई और उनका डॉग कहाँ गए ओए के को स्नोई
स्नोई लेके खोद दे सेरा चेरी चेरी टीका चेरी ला चेरी लाइन टीका लाए दिन ये ले खाकन चाहिए ना लाकन चाहिए ना लुराम मरी उबा नुआई ओ चेरी आओ ये खानु पड़ सा यो यो बाजवार के दी दे सा गौर से देखिए आदमी को जो सब कुछ खाने वाला है गौर से देखिए इस लड़के को और अंकिता टंकिता भी पहुंच गई है अब उसको भी टीका लगा देने वाले चलिए खाना खाना स्टार्ट मैं भूल गई थी रिकॉर्डिंग करने के लिए तो खाना में था फ्राइड राइस चिकन चिल्ली मेरा तो खाना ही खत्म हो गया पकोड़ा आलू का अचार ये सब लोग छत पे बैठ के खाना खा रहे हैं क्रांति का प्रोग्राम खत्म हो चुका है सब लोग घर चले गए हैं और मैं चेरी और चेरी के पापा थोड़ा मार्केट आए हैं थोड़ा काम है यहाँ पे वो थोड़ा हेयर कट करेंगे और मैं घर का थोड़ा सामान तो अभी हम लोग घर वापस आ चुके हैं और मेरा रात का खाना बनाना भी स्टार्ट हो चुका है क्योंकि अभी 7 बज चुका है फटाफट खाएंगे आज सुबह से भी थके हुए हैं सब लोग तो ये ब्लॉग इतना ही रखती हूँ ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए लाइक करिए और आपका कोई भी सजेशन है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और क्या बोलूँ आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति टेक केयर बाय